हेलो बच्चों, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के लास्ट के 4 क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने सामने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 कहता क्या है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट रेट ऑफ आर परसेंट पर ईयर। तो समझना, हमको कंडीशन क्या गिवन है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट रेट ऑफ आर परसेंट पर ईयर, ये कंडीशन गिवन है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, डीपी बाई डी टी। पी क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट, वो आर परसेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि P का R परसेंट, यानी कि पी आर अपॉन 100। समझ रहा, प्रिंसिपल इंक्रीज एट रेट ऑफ आर परसेंट पर ईयर, डीपी बाई डी टी मतलब प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज इक्वल टू पी का आर परसेंट, यानी कि पी आर बाई 100। ठीक है, अब इस इक्वेशन की मदद से सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेट, यानी कि डीपी अपॉन पी इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू डी टी, इतना आया। अब क्या करेंगे सीधे बच्चों, इन दोनों पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब एल एच एस और आर एच एस को क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी अपॉन पी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर अपॉन 100 इंटू डी टी, इतना आया बच्चों। 1 अपॉन पी डीपी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ई बेस पी। ठीक है, यानी कि लॉग पी। अब बच्चों 1 अपॉन, सॉरी, ये पूरा आर अपॉन 100 कॉमन ही आ जाएगा। ठीक है, पूरा आर अपॉन 100 कॉमन आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डी टी। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, लॉग ई बेस पी इक्वल टू आर अपॉन 100, डी टी का इंटीग्रेशन बच्चों टी, और साथ में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट भी जुड़ेगा, कितना, सी। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ रुपीज 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। अगर 100 रुपीज डबल हो जाते हैं कितने साल में, 10 साल में, तो आर की वैल्यू निकालो। तो समझना, तुम सबसे पहले जब बैंक में गए थे तब टाइम की वैल्यू कितनी रही होगी, 0, और उस समय पे तुमने जो बैंक में पैसा जमा करा कितना करा, 100। तो मैं लिखता हूं पुट्टी इक्व टू 0 एंड पी इक्व टू 100, इतना समझ में आया। अब इस इक्वेशन पे पी की वैल्यू 100 पुट करो और टी की वैल्यू 0 पुट करो, तो कितना आएगा बच्चों, लॉग ई बेस 100 इक्वल टू आर अपॉन 100 और टाइम की वैल्यू 0 और प्लस सी, ऐसी रहेगा प्लस सी ऐसी रहा जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आएगा बच्चों, लॉग ई बेस 100, इस पूरे टर्म को क्या लिख देंगे, 0 प्लस सी, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, लॉग ई बेस 100, इतना समझ में आया। अब हमसे कह रहा आर की वैल्यू निकालो जब रुपीज 100 डबल हो जाएगा 10 साल पे, यानी कि इसके लिए एक कंडीशन भी और गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है, जब टाइम की वैल्यू 10 साल हो जाएगी तो जो पैसा वो डबल हो गया है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हो चुका है बच्चों, 200। तो इस इक्वेशन पे टी की वैल्यू 10 पुट करो, पी की वैल्यू 200 पुट करो और सी की वैल्यू कितनी पुट करो, लॉग ई बेस 100, फिर उसके बाद आर की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो देखना बच्चों हम क्या लिखेंगे, लॉग ई बेस 200 इक्वल टू आर वी हैव टू कैलकुलेट अपॉन 100 एज इट इज आएगा, और टी की वैल्यू क्या पुट की जाएगी, 10, प्लस सी की वैल्यू क्या पुट की जाएगी बच्चों, लॉग ई बेस 100। तो क्या करेंगे बच्चों, लॉग ई बेस 200 ऐसे लिखेंगे, इस टर्म को यहां से यहां ले आएंगे, लॉग वाले टर्म को एक साथ लेकर आओ, इक्वल टू आर बाई 10, इस 0 से ये 0 क्या हो गया, कैंसल। अब बच्चों लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी कितनी होगी, लॉग ए अपॉन बी, तो यानी कि लॉग 200 अपॉन 100
इक्वल्स टू आर बाई टेन। बच्चों जीरो जीरो क्या हो जाएंगे कैंसल, यानी कि कितना बचेगा लॉग ई बेस टू इक्वल टू आर बाई टेन। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों क्वेश्चन में लॉग टू की वैल्यू कितनी रखी है, 0.6931। लॉग टू की वैल्यू कितनी रखी है, 0.6931 इक्वल टू कितना आएगा आर बाई टेन। तो यानी कि जो R की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बच्चों, 6.931%। ठीक है, अब इस आंसर को बच्चों एनसीईआरटी से मैच कर लेते हैं। बच्चों एनसीईआरटी में इसका आंसर 6.93% दिया है, यानी कि उन्हें राउंड ऑफ कर लिया है। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद आज का सेकंड सवाल वो क्या कहता है बच्चों, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इज डिपॉजिट विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर। यानी कि हमको जो सबसे पहले कंडीशन गिवन है बच्चों उसको नोट करते हैं, प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो ध्यान देना कंडीशन क्या गिवन है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो इस स्टेटमेंट से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी का मतलब बच्चों प्रिंसिपल के चेंज होने का रेट, वो क्या है प्रिंसिपल का 5%, यानी कि पी इंटू 5/100। प्रिंसिपल के चेंज होने का रेट प्रिंसिपल के 5% के बराबर है, यानी कि पी इंटू 5/100। पहला स्टेप फिर से वही रहेगा बच्चों, क्या वेरिएबल सेपरेट करोगे और इंटीग्रेट करोगे, यानी कि डीपी के साथ पी लेकर आओगे, तो इस पी को बच्चों नीचे लेकर जाएगा तो क्या आएगा, डीपी अपॉन पी। इस 5 से 100 को कट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1/20, और डीटी को यहां से ऊपर भेज दो। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसको सीधे क्या करा जाएगा, इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन डीपी अपॉन पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/20 डीटी। अब 1/P का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों, लॉग ई बेस पी। 1/20 तो कांस्टेंट रहेगा बच्चों, इंटीग्रेशन सिर्फ क्या होगा डीटी, और इंटीग्रेशन और डीटी क्या रहेगा बच्चों, टी, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी साथ में जुड़ेगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, ठीक है, आगे की कैलकुलेशन करने के लिए। देखो बच्चों पहली कंडीशन क्या गिवन है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, यानी कि जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो पैसा कितना जमा करा है 1000, तो वहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, सी की। देखना हाँ, मैं लिखता हूं पुट, जो अमाउंट है पी कितना है 1000, तो टाइम कितना है बच्चों जीरो, तो क्या बनेगा, लॉग ई बेस 1000 इक्वल टू 1/20, टाइम की वैल्यू बच्चों जीरो प्लस सी, यानी कि जो सी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, लॉग ई बेस 1000। इतना समझ में आया। अब देखते हैं एक और कंडीशन गिवन है, जब ये सीधे पूछा गया है हमसे, पूछा गया है अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, इस मतलब इस कंडीशन से हमने सी की वैल्यू निकाली। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी कैलकुलेट करो। तो यानी कि बच्चों इसी इक्वेशन पे दोबारा टी की वैल्यू क्या पुट करो 10, सी की वैल्यू क्या पुट करो लॉग ई बेस 1000, और प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करो, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, लॉग ई बेस पी तो ऐसी रहेगा, ठीक है, 1/20 भी ऐसी रहेगा, टी की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों 10, प्लस सी, सी की वैल्यू क्या पुट की जाएगी बच्चों
लॉग ई बेस 1000। इतना समझ में आया। अब एक चीज मैंने गलती करी है, वो क्या करी बच्चों, यहां पर कुछ टी का टर्म लिखना भूल गया हूं, यहां पे टी का टर्म नहीं आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लॉग के सारे टर्म एक साथ आएंगे, यानी कि इसको इधर से यहां ले आऊंगा और क्या लिखूंगा बच्चों, लॉग ई बेस पी माइनस लॉग ई बेस 1000 इक्वल्स टू, ये कितना आएगा बच्चों 0.5 और साथ में क्या आएगा टी। इतना समझ में आया। अच्छा थोड़ी सी गलती होगी बच्चों, टी की वैल्यू तो पुट ही नहीं करनी है, टी की वैल्यू तो हमको कैलकुलेट गिवन है, मतलब हमको तो कैलकुलेट पी की वैल्यू करनी है। एक स्टेप मैं गलत कर चुका था गलती से, ठीक है सॉरी, उसको अच्छे से देखना बच्चों। इस इक्वेशन पे हमको टी की वैल्यू कितनी पुट करनी थी 10 और सी की वैल्यू कितनी पुट करनी थी लॉग ई बेस 1000 और पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने इस इक्वेशन में लॉग ई बेस पी इक्वल्स टू 1/20 इंटू 10 प्लस लॉग ई बेस 1000 उस इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। मैंने गलती क्या करी, मैंने यहाँ पे टी भी मल्टीप्लाई कर दिया था जबकि टी की वैल्यू पहले ही 10 पुट कर चुका था। अब उस गलती को सुधारा और उस टी को यहां से हटा दिया, ठीक है। अब इसको मैं यहां से यहां लेकर आया, ठीक है। अब log a माइनस log b, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी बच्चों, log a अपॉन b, तो क्या लिखेंगे log a माइनस log b, log a अपॉन b इक्वल्स टू 0.5। अब log हटाने के लिए दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एंटी log, तो मैं क्या लिखूंगा टेक एंटी log, तो बच्चों क्या आएगा p अपॉन 1000 इक्वल्स टू e की पावर 0.5। अब क्वेश्चन में हमको e की पावर 0.5 गिवन है, कितनी गिवन है बच्चों 1.648। तो बच्चों इसको क्या लिखा जाएगा 1.648, यानी कि p अपॉन 1000 किसके बराबर आएगा 1.648। इट मींस बच्चों जो p की वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितनी आएगी 1648 रुपीस, ठीक है। अब बच्चों इसको एक बार एनसीईआरटी एक्सरसाइज से मैच कर लेते हैं और आंसर ही बच्चों सेम है 1648 रुपीस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आया। अब इसके बाद अगला सवाल क्या कहता है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर, इन हाउ मेनी आवर विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो हमको सबसे पहले जो मेन इक्वेशन गिवन है उसको लिखते हैं, कौन सी इक्वेशन गिवन है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। समझना क्या गिवन है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के बढ़ने का रेट, हेलो प्रणाम, अभी घर पे ही हूं, ठीक है सॉरी बच्चों एक कॉल आ गई थी। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसी लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूं ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का मेन आंसर यहीं पे है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है अब समझना, अगर नंबर ऑफ बैक्टीरिया n है, इफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया मान लो कितने हैं बच्चों स्मॉल n, तो इनके बढ़ने का रेट यानी कि dn by dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के ही होंगे। समझ में आया, dn by dt रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि स्मॉल n के ही प्रोपोर्शनल होंगे। इतना आया। अब बच्चों सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और साथ में कॉन्स्टेंट k को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद बच्चों फिर से वेरिएबल सेपरेबल,
डीएन के साथ एन को नीचे ले आएंगे और के साथ डीटी को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बच्चों दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन डीएन अपॉन एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डीटी। बच्चों डीएन अपॉन एन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, लॉग ई बेस एन, ठीक है। और बच्चों के तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, डीटी का। और डीटी का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, टी, और साथ में कॉन्स्टेंट सी भी जुड़ेगा। ठीक है, तो जो इक्वेशन आई हमारी क्या आई, लॉग ई बेस एन इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस को देखते हैं। पहली कंडीशन क्या गिवन है बच्चों, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, सॉरी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्या है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, यानी कि जब समय जीरो था, जब समय जीरो था बैक्टीरिया का काउंट कितना था, 1 लाख। तो बच्चों यहां पर कुछ साइड में जो कंडीशन गिवन है उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। मैं लिखता हूं पुट टी की वैल्यू जीरो और एन की वैल्यू कितनी, 1 लाख। इतना समझ में आया, तो बच्चों क्या आएगा, लॉग ई बेस 1 लाख इक्वल टू के एज इट इज टी की वैल्यू जीरो प्लस सी। तो बच्चों सी की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग ई बेस 1 लाख। जो पहली वाली कंडीशन की बनती कि जब समय की वैल्यू जीरो है तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 लाख है, वहां से मैंने इस इक्वेशन के लिए क्या निकाल दिया, सी निकाल दिया। अब दूसरी कंडीशन का गिवन है बच्चों, वो देखो, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर, यानी कि 2 आवर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया 10% बढ़ जाता है। समझना, फिर से इसी इक्वेशन पे टाइम की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, 10 आर, सॉरी टाइम की वैल्यू 2 आर है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया 10% बढ़ गए, पहले कितने थे बच्चों, 1 लाख, पहले कितने थे 1 लाख, उसका 10% कितना होगा, 10,000। अब 1 लाख में अगर तुम 10,000 ऐड करोगे तो बच्चों जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आएंगे वो कितने आएंगे, 1,10,000 या फिर 1,10,000। समझ में आया, तो इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 2 पुट करो, एन की वैल्यू 1,10,000 पुट करो और सी की वैल्यू कितनी पुट करो, लॉग ई बेस 1 लाख। इतना समझ में आया, तो बच्चों इक्वेशन हमारी ये रही, तो क्या लिखेंगे, लॉग ई बेस 1,10,000 इक्वल टू, बच्चों के यहीं पर रहेगा, टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है बच्चों, 2, और सी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1 लाख। अब बच्चों इस कंडीशन की मदद से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू। तो बच्चों सबसे पहले यहां से यहां इसको ट्रांसफर करा जाएगा, लॉग वालों को एक साथ लिया जाएगा, तो लॉग 1,10,000 माइनस लॉग 1 लाख इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के। अब यहां पे क्या प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, लॉग ए माइनस लॉग बी वो किसके बराबर होती है, लॉग ए अपॉन बी। तो ये लानी कि लॉग ई बेस 1, 2, 3, 4, 1,10,000 अपॉन लॉग 1 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 0, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ के। तो बच्चों 4 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बच जाएगा, लॉग 11/10, और इस 2 को इसके नीचे ले आओ तो के की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1/2 लॉग ई बेस 11/10। इतना समझ में आया बच्चों। अब वहां पर के की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई और हमने ये इक्वेशन भी कैलकुलेट कर ली है। हमसे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी आर विल द काउंट रीच 2 लाख, यानी कि इसी इक्वेशन पे, इसी इक्वेशन पे एन की वैल्यू 2 लाख कब होगी ये निकालनी है। ठीक है, इसी इक्वेशन पे, इसी इक्वेशन की मदद से एन की वैल्यू 2 लाख कब हो जाएगी ये निकालनी है। तो 2020 2 लाख,
टी की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, के की वैल्यू अभी निकाली हमने 1/2 लॉग e बेस 11/10, और सी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, लॉग e बेस 1 लाख। ठीक है, ठीक है, पुट n t k c एक एक करके दे दिया। तो बच्चों इस इक्वेशन पे इक्वेशन क्या थी, लॉग e बेस n, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 लॉग 2 लाख। ठीक है, इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है बच्चों, लॉग 1/2 लॉग e बेस 11/10। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, t से, और t की वैल्यू ही हमको कैलकुलेट करनी है, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, लॉग e बेस 1 लाख। अब अगर बच्चों t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले इस टर्म को यहां से यहां लेकर आओ, तो कितना आएगा, लॉग e 2 लाख, सही है, माइनस लॉग e 1 लाख इक्वल टू 1/2 लॉग e बेस 11/10 इंटू टी। अब ये क्या आएगा बच्चों, लॉग ए माइनस लॉग बी, वो क्या आएगा, लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 1/2 लॉग ई 11/10 इंटू टी। तो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो क्या हो गया, कैंसिल। यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 2 log e बेस 2 अपॉन, फिर ये जो पूरा बच्चों t के साथ मल्टीप्लाई पे है, कौन सा, log e 11/10, इसको क्या कर दो नीचे यहां डिनोमिनेटर में भेज दो, और यही किसके बराबर आएगा बच्चों, इक्वल टू t। यानी कि टाइम की वैल्यू जब इतनी होगी तब बैक्टीरिया का काउंट कितना पहुंच जाएगा, 2 लाख। बच्चों एनसीईआरटी से मैच कर लें इसका आंसर, 2 log 2 log e 11/10, सही है बच्चों, एनसीईआरटी में भी इसका आंसर यही है। अब इसके बाद बच्चों आज का आखिरी सवाल, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दे रखी है, dy by dx इक्वल टू e की पावर x प्लस y। इस इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, ये जो इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीधे सीधे वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, उसके लिए बच्चों dy by dx को तो ऐसे ही लिखो, लेकिन इसको e की पावर x इंटू e की पावर y कर लो। अब बच्चों x वालों को एक साइड लेके जाओ, y वालों को एक साइड लेके जाओ, अब y वाले एक साइड आ गए, x वाले एक साइड आ गए, अब सीधे सीधे क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ये स्टेप तो समझ में आ गया होगा बच्चों, ये dx ऊपर लेकर गए, e की पावर y नीचे लेकर आए यहां पे, ठीक है, फिर क्या करा सीधे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा बच्चों, 1/ e की पावर y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। इतना समझ में आया, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। बच्चों e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर x, e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, e की पावर माइनस y, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जुड़ेगा, तो बच्चों इसको प्लस से यहां पे को जोड़ देते हैं। एक गलती हुई है, e की पावर माइनस y इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस y अपॉन माइनस 1, ये भी आएगा। तो हमारा जो आंसर आया बच्चों, e की पावर माइनस y इक्वल टू e की पावर x प्लस c। अब ऑप्शन से मैच करते हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, इस e की पावर माइनस y को उधर लेके चल जाएंगे, ये क्या आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y, और बच्चों ये जो c है ना, इसको यहां से यहां ले आओ, तो इसको क्या लिख लेता हूं, माइनस c। देखो c भी क्या था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, माइनस c भी क्या होगा, कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो उसको भी क्या ले लेते हैं, एक दोबारा सा कोई नया कांस्टेंट c ही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आया बच्चों, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इक्वल टू c, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इक्वल टू c। तो बच्चों सीधे सीधे जो ऑप्शन आया वो कितना आया, a।
क्वेश्चन नंबर बच्चों 23 का ऑप्शन ए है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।